नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नैनीताल जिले के रामनगर में फलपट्टी क्षेत्र को कंक्रीट का जंगल वन माफियों और भू माफियों द्वारा बनाया जा रहा है। इन फलदायक बगीचों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किस विभाग की है? फल उद्यान विभाग लगातार इस फलपट्टी क्षेत्र में पेड़ों को काटने की और लॉपिंग की अनुमति दे रहा है। इसी की आड़ को लेकर पूरे आम लीची के फलदायक बगीचों को नष्ट किया जा रहा है। इन बगीचों को केवल इस कारण से नष्ट किया है कि गैर कानूनी तरीके से व नियम के विरुद्ध व्यावसायिक निर्माण किया जा सके। नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। हम इस समय रामनगर सिद्धलालपुर पाड़े में और यहाँ पे एक जो है हरा भरा बगीचा जो है आम लीची का, उसको काट दिया गया है। और मेरे साथ अजीत खान जी हैं, RTI कार्यकर्ता हैं ये, और बहुत लंबे समय से जो है ये बगीचों को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। अजीत खान जी, पहले तो स्वागत आपका न्यू कॉर्बेट समाचार सर, आपके चैनल का बहुत बहुत। अजीम खान जी, जैसे आप देख रहे हैं मौके पर, आप भी और मैं भी हूँ, तो ये जरा थोड़ा बताइए इसके बारे में कि ये बगीचे को क्यों काटा जा रहा है? देखिए, या अनलीगल तरीके से काटे गए, यहाँ पे परमिशन नहीं देनी चाहिए। जो नियम कहता है उस नियम के तहत फलपट्टी क्षेत्र में किसी भी रंग की व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं की जा सकती, लेकिन लगातार 2002 से इस क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियाँ की जा रही हैं जो गैरकानूनी और नियम विरुद्ध हैं। तो जैसे आपने बताया कि जैसे इस पर रोक भी लगी है, सरकार ने भी जैसे रोक लगा दी, फिर भी जो है उन लोगों के कैसे हौसले बुलंद हैं जो इस तरह की अवैध फल पत्ते को काट के अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं? देखिए, बिना मिली भगत के और बिना किसी की छत्र छाया के ये कार्य नहीं हो सकते हैं। खुले आम काटे जा रहे हैं बगीचे, अधिकतर रात में काटे जा रहे हैं, दिन में भी काटे जा रहे हैं, फिर भी मतलब अधिकारियों की कान पे जूझ दिख रही है कि इस तरह से इस पर्यावरण को बचाना है, इस फलपट्टी क्षेत्र को बचाना है, जबकि उनकी जिम्मेदारी है और हर नागरिक की है। जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूँ जनहित में, जैसे हमारा रामनगर क्षेत्र जो है आम लीची के लिए बहुत विख्यात है, लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं, अगर इस तरह से ये बगीचे कट जाएंगे तो खाली किताबों में ही हमारा रामनगर शहर आम लीची के लिए रह जाएगा। देखिए, जो हमारा जो टूरिज्म है वो केवल हरियाली पे टिका है और हमारे वहाँ की जो लीची है ये विश्व प्रसिद्ध है, और बगीचे लगातार कट रहे हैं और सरकार को भी इसमें संज्ञान जो है गंभीरता से लेना चाहिए इन बगीचों को बचाने के लिए। इसी कारण से 26 गांवों को रामनगर में फलपट्टी क्षेत्र घोषित किया गया ताकि ये बगीचे सुरक्षित रह सके। लेकिन जो है ये जो यहाँ के शासन प्रशासन के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक जो है और भी लोग हैं, इसको देख के थोड़ा मतलब सक्रिय नहीं है, वो मतलब अनदेखी कर रहे हैं, नियमों के अवहेलना कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो उनसे भी आग्रह करूँगा, शासन से भी करूँगा, सरकार से भी करूँगा, जो क्षेत्र के विधायक हैं उनसे भी करूँगा, साहब इसमें सहयोग करें बचाने के लिए, मैं तो कर ही रहा हूँ। और क्या कारण है कि क्या नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। अभी एक जोगीपुरा का मामला भी, वहाँ भी एक बगीचा काटा गया है, वो RTI ऑफिस है और विधायक जी के घर उनके पास में है, तो क्या उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया? जी, लेना चाहिए अगर उनके बराबर में है तो। मैंने कहा भी था, पिछली न्यूज़ दी थी, किसी को बाइट दी थी मैंने, उसमें भी कहा कि साहब ये तो इस एरिया में तो नहीं कटने चाहिए कम से कम पेड़। अगर जैसे लगातार ऐसे पेड़ कटते चले गए तो आने वाले समय में जो है, जैसे प्रदूषण की हम बात करें तो पेड़ों का होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो आदमी जो है जीवन सही से नहीं, आप जैसे पीछे कोविड हुआ था, ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी, ये फ्रेश जैसे ऑक्सीजन है। देखिए, फ्रेश ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही थी पिछली बार भी, जैसे कि वो टाइम आया बीमारी का, तो उस समय कितनी परेशानी हुई ऑक्सीजन के कारण। और ये जो पेड़ हमें कई तरह का ऑक्सीजन देते हैं, कई तरह की बीमारियों से हमें सुरक्षित रखते हैं और कई चीज़ों में हमारे काम आते हैं, यानी कि जीने का साधन है। इस पेड़ से ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिससे हम जीते हैं, सांस ले सकते हैं, लेकिन फिर भी इस पर गंभीरता से ध्यान ना देना, ये बड़ा गंभीर विषय। हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे इसका संज्ञान लें? मैं NEC न्यूज़ के माध्यम से, शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से जी से कहना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दें और इस फलपट्टी क्षेत्र को बचाने के लिए कोई कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। जैसे हाईकोर्ट की आपने बात की थी, हाईकोर्ट का भी थोड़ा संज्ञान लेना जी। हाईकोर्ट ने जो अपूर्व जोशी जी हैं, हमारे पत्रकार भी हैं, वो संडे टाइम्स उनका निकलता है, उन्होंने एक PIL दाखिल की थी 2018 में माननीय हाईकोर्ट ने निकाल दिया। उसमें माननीय हाईकोर्ट ने 2019 में आदेश दिया था कि फलपट्टी क्षेत्र में ना तो पेड़ कटेंगे, ठीक हो गया, और ना ही हाउसिंग स्कीम लागू होगी। उसके बाद भी पेड़ कट रहे हैं और हाउस भी बन रहे हैं, कॉलोनियां भी निर्माण की जा रही हैं, लगातार माननीय हाईकोर्ट नैनीताल की अवहेलना की जा रही है आदेश की। अभी हमने बात की अजीम खान जी से, इन्होंने बताया कि जो है 2018 से जो है हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी, जिसमें जो है हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जो है जो फलपट्टी क्षेत्र में जितने भी, जैसे 26 गाँव अजीम भाई ने बताया कि आते हैं, और उसमें जो है बगीचों को काटा ना जाए,
क्योंकि अगर बगीचे पेड़ कटेंगे और आपको पता है कि पेड़ ही हमारा जीवन है, अगर पेड़ कटता है तो पेड़ों से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, ऑक्सीजन है मिलती है, फल फूल मिलते हैं हमें, और इनके जो पत्ते वत्ते इनसे हमें बहुत सी जड़ी बूटियाँ बनाने का बनाई जाती है इनसे। तो मैं भी कहना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि जो है रामनगर जो है ये फल पट्टी के जो फलों के लिए बहुत विकसित शहर है, यहाँ की जो लीची है विश्व प्रसिद्ध है, थोड़ा आप भी इसका संज्ञान लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप इसका संज्ञान नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में जो है यहाँ पे कंक्रीट के जंगल जो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, अवैध कॉलोनियाँ बन जाएंगी, और जो कॉलोनी की बात करें यहाँ पे बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो नियम कानून की जो है के तहत नहीं बन रही है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉलोनियाँ बनाने के लिए, अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। अगर इसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो आने वाले टाइम में यहाँ पे जो है पेड़ों का नामा निशान नहीं रहेगा और इंसान का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। रामनगर से न्यू कॉर्बेट समाचार के लिए उधम सिंह राठौर की विशेष रिपोर्ट।